नगरी में हर चीज टके शेर मिलती है, तो मैंने उसकी बात का विश्वास ना किया। बच्चा, ये कौन सी नगरी है और कौन है इसका राजा, जहाँ टके शेर ही भाजी है और टके ही शेर है खाजा? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। तू तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं। सेठ सेठ सब एक से, जहाँ कपूर का पास, ऐसे देश कुदेश में कबू न कीजिए बस। इसलिए बच्चा, हम तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रुकेंगे। गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ना है। दो पैसा पास में रहने से ही मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और जगह मांगो तो दिन भर पेट भी नहीं भरता, वरन बाजे बाजे दिन उपास करना पड़ता है। सो तो मैं यहीं रहूंगा। देव बच्चा, पीछे पछताएगा। गुरुजी, आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा। मैं तो कहता हूँ आप भी रुक जाइए। नहीं बच्चा, हम तो इस नगरी में अब नहीं रहेंगे, लेकिन जाते हुए इतना जरूर कहते हैं, कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण जरूर करना। मैं आपका नित्य स्मरण करूंगा गुरुजी, प्रणाम। फिर भी कहता हूँ यहीं रुक जाइए। गुरुदेव गुरुदेव। देखो सजा है चौपट राजा का दरबार, जहाँ करता है वह अपनी मूर्खता का प्रदर्शन बार बार। नीति अनीति और अधर्म से इस दरबार की चाल में ऐसा ही होता आया है न्याय चौपट राजा के दरबार में। नृत्य शुरू किया हमारा सेवक कहाँ है? बताओ हमारा सेवक कहाँ है? शांत हो जाइए महाराज, पान खाएंगे महाराज। क्या कह रहे हो तुम? पान खाएंगे महाराज। क्या कहा? सुपन खाइए महाराज। अरे नहीं नहीं, आप जा कह रहे हैं बैठिए। ये कहता है पान खाएंगे महाराज। दुष्ट लुच्चा बाजी, ना हक हमको डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कोड़े लगे। परंतु महाराज, इसमें इस बिचारे का क्या दोष है? ना तो तमोली पान लगा कर देता, ना ही आपको पुकारता। अच्छा, तमोली? तो फिर तमोली को 200 कोड़े लगे। पर महाराज, आप पान खाइए सुनकर थोड़ी ही डरे हैं, आप तो सुपन खाइए सुनकर डरे हैं। मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी। हम रानी से कह देंगे कि मंत्री तुम्हें बेर बेर 100 बुलाने चाहता है। नौकर नौकर शराब। पीजे महाराज, पीजे महाराज। अरे दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय करो। कौन चिल्लाता है ये? पकड़ लो। जी महाराज। दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय करो। चुप करो। तुम्हारा न्याय ऐसा होगा जैसे जम के अभी नहीं होता। बताओ क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिरी, सो हमारी बकरी उसके नीचे आ दबी। अच्छा, कल्लू बनिया की दीवार को पकड़ लाओ। महाराज, दीवार यहाँ नहीं लाई जा सकती। अच्छा, तो फिर दीवार का भाई, बेटा, आशना जो हो उसको पकड़ लाओ। महाराज, दीवार ईंट और चूने की होती है, उसका कोई भाई बेटा नहीं होता। अच्छा, तो फिर कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। जी महाराज। चलो उठो।
क्यूबे बनिए, इसकी लड़की ओ इसकी बरकी कैसे मर गई? महाराज बरकी नहीं बकरी। हाँ हाँ सही बोलो, इसकी बकरी कैसे मर गई बता, वरना अभी फांसी चढ़ाता हूँ। महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, कारीगर ने दीवार ही ऐसी बनाई कि वे गिर पड़ी। अच्छा बनिए को बाहर निकालो कारीगर को लेकर। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई बता। महाराज मेरा कोई दोष नहीं, चूने वाले ने ही ऐसा गोदा बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा इसको बाहर निकालो चूने वाले को लेकर। चलो क्यूबे खैर सौपड़ी चूने वाले, इसकी कुबरी कैसे मर गई बता। महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, भिश्ती ने ही चूने में पानी ढेर से डाल दिया। अच्छा इसको बाहर निकालो भिश्ती को लेकर, तुरंत लेकर। क्यों बे भिश्ती, गंगा जमुना की कश्ती, तूने इसके चूने में पानी ढेर क्यों डाल दिया जिससे कल्लू बनिया मर गया। महाराज गुलाम का कोई दोष नहीं, कसाई ने ही मसक इतनी बड़ी बनाई कि पानी ज्यादा आ गया। अच्छा इसको बाहर निकालो कसाई को लेकर। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई और बकरी दबाई। महाराज मेरा कोई दोष नहीं, गदरिया ने टके से मिलियात इतनी बड़ी भेज दी थी कि उसकी मशक बड़ी बन गई। अच्छा कसाई को बाहर निकालो गडेरिया को लेकर आओ। क्यों बे ओक पौड़े के गडेरिये, तूने इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची के दीवार के नीचे दब के कल्लू बनिया मर गया। महाराज उस ओर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, उसे देखते देखते बड़ी छोटी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ दोष नहीं। अच्छा गडेरिये को बाहर निकालो, कोतवाल को तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए। क्यों बे कोतवाल, तैने सवारी इतनी धूम से क्यों निकाली कि गडेरिये ने बड़ी भेड़ बेच दी जिससे कल्लू बनिया मर गया। महाराज महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर इंतजाम के वास्ते जाता था। ये तो गजब हो गया भाई, कहीं ऐसा ना हो ये बेवकूफ पूरी नगरी में आग लगा दे या फिर हम सबको फांसी पर चढ़ा दे। चुप कर, तेरी गलती है, तैने इतने धूम से सवारी क्यों निकाली के बकरी मर गई। महाराज क्या महाराज, चुप कर। मंत्री इसको सूली में चढ़ा दो, सूली पर चढ़ा दो इसे, दरबार बर्खास्त। चलिए मामा। गुरु ने इतना अधर्म का वास्ता शिष्य को खूब समझाया, पर शिष्य के सर स्वार्थ ऐसा हावी हुआ कि उसे कुछ समझ ना आया। लालच की पीड़ा कब तक चलती। एक दिन ऐसा आया, एक सिपाही राजा ने शिष्य को बुलवाया। देख या सभी के प्यादों को, शिष्य बहुत घबराया, करके याद गुरुजी को जोर जोर से चिल्लाया। तो चलिए देखते हैं गोवर्धन दास की दुर्दशा। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, सका शेर भाजी सका शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, नीच ऊंच सब एक ही ऐसे जैसे बंडुए पंडित तैसे, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भज सो हरि काहोय, साचे मारे मारे डोले, छली दुष्ट सिर छड़ छड़ बोले, ऊंच नीच सब एक ही सारा, मन क्रम गचन ज्ञान विस्तारा। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, अरे चौपट राजा भैया चौपट राजा। वाह 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 क्या नगरी है भैया। हा हा चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। ये आफत कहां से आ गई भाई। महाराज चलिए नमो नारायण कीजिए। अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो है? आपने बिगाड़ा है या बनाया है इससे क्या मतलब, चलिए फांसी चढ़िए।
अरे बाबा, पर बताओ तो सही, बात क्या है? क्यों नाहक गरीब आदमी को फांसी देते हो? जब फांसी चढ़ लीजिएगा ना, तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच। सीधी राह से चलते हो या अभी घसीट कर ले चले? तब भी बाबा, बात क्या है? आप बड़े ही मोटे हैं, इस वास्ते आपको फांसी होती है। हैं? मोटे होने से फांसी? अरे ये कहाँ का न्याय है भाई? हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। भगवान को जवाब राजा देगा। भगवान को जवाब क्या दोगे तुम? हमको क्या मतलब, हम हुक्मी बंदे हैं। चलो भाई, क्यों गरीब को फांसी दे रहे हो? क्या होगा, क्या लाभ होगा तुमको? देखो, 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 बात ये है कि कल कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ था, तो हम उनको लेकर लेकर वहाँ गए। वहाँ पर वो फांसी का बंदा छोटा हुआ, क्योंकि वो दुबले हैं। इसलिए हमने अर्ज किया और इस पर ये हुक्म हुआ कि किसी मोटे बंदे को पकड़ लाए, इसलिए हम तुम्हें पकड़ने ले गए। आ जाओ, चलो। एक मिनट, इस नगर में और कोई मोटा आदमी नहीं जो मुझ गरीब को फांसी दे रहे हो? इसमें दो बात है, एक तो राजा के डर से कोई मोटा आता ही नहीं, और दूसरा साधु महात्मा की ऐसी दुर्दशा है कि तुम्हें ही फांसी चढ़ाने ले जाते हैं। अरे भाई माफ कर दो, मत लेकर जाओ, मत लेकर जाओ। अरे दुहाई परमेश्वर की, मैं नाहक मारा जाता हूँ। गुरुजी ने मुझे मना करा था कि ऐसे नगर में रहना ही नहीं चाहिए, मगर मैंने ना सुना। गुरुजी बचाओ, नाहक मारा जाता हूँ। गुरुजी, लेकिन समय की चाल हूँ या ईश्वर की दया, सही समय पर गुरुजी की हो गई शिष्य प्रतिभा। कर अपनी बुद्धि का प्रयोग, चौपट राजा को मूर्ख बनाया, एक बार फिर ज्ञान के मंच पर बुद्धि ने मूर्ख को हराया। तो चलिए अब देखते हैं अंतिम दृश्य। अरे 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 अरे, मुझे फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा? मुझे छोड़ दो। अरे मुझ गरीब को फांसी दे रहे हैं, क्या मिलेगा तुम लोगों को? अबे चुप रहे, राजा का हुक्म भला कभी टल सकता है? ये तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले। शोर क्यों मचा रहा है, चुप रहे। अरे मैंने गुरु जी का कहा ना माना, उसी का फल मुझे मिला। गुरु जी ने मुझे कहा था कि ऐसे नगर में रहना ही नहीं चाहिए, मगर मैं तो मंद बुद्धि, मैंने सुना ही नहीं। इस नगर का तो नाम ही अंधेर है, और राजा, राजा का तो नाम ही चौपट है, फिर बचने की कौन आशा है? गुरु जी बचाओ, मेरी रक्षा करो। गुरु जी कहाँ हो? गुरु जी, अरे गुरु जी, बच्चा गोवर्धन दास, यह तुम्हारी क्या दशा है? गुरु जी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, इसलिए मुझे फांसी दे रहे हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना उचित नहीं, लेकिन तैने मेरा कहा ना सुना। गुरुजी, मैंने आपका कहा ना माना, उसी का फल मुझे भोगना पड़ा। गुरुजी, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आपके सिवा और मेरा कोई नहीं, मेरी रक्षा करो गुरुजी। कोई बात नहीं बच्चा, सब सामर्थ्य है। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। अगर तुम किनारे नहीं हुए तो तुम्हारा भला ना होगा। हम पीछे हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। तब तो गुरुजी, फांसी हम ही चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हमें चढ़ने दे। नहीं, हम चढ़ेंगे गुरुजी, फांसी तो हम ही चढ़ेंगे। अरे इतना समझाया, हम बूढ़े भाई, हमें जाने दे। अरे स्वर्ग जाने में बूढ़ा क्या, जवान क्या, आप तो सिद्ध हैं, आपको गति है, गति से क्या, फांसी मैं चढ़ूंगा। हाय, ये माजरा क्या है, कुछ बात समझ नहीं आ रही। सचमुच ये क्या कपड़ा है? ओए गुरुजी, चलो। है ये क्या गोलमाल है? महाराज, चेला कहता है कि मैं फांसी पे चढ़ूंगा, और गुरु कहता है कि मैं चढ़ूंगा, कुछ बात समझ नहीं आ रही। बताइए बाबा जी,
आप फांसी पे क्यों चढ़ना चाहते हैं? राजा, इस समय ऐसी सायत है, अर्थात ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ को जाएगा। फिर तो हम सब फांसी पर चढ़ेंगे। हमें तो हुक्म है भाई, हम चल लटकेंगे, हमारे सब तो दीवार गिरी है। चुप रहो सारे, हम यहाँ के राजा है, हमारे होते हुए और कौन फांसी में चढ़ सकता है, और कौन बैकुंठ जाएगा? हम जाएंगे, हम फांसी में चढ़ेंगे, हम बैकुंठ। चलिए चलिए, आइए 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 आइए। जहाँ न धर्म न बुद्धि, नहीं नीति न सुजन समाज, ते ऐसे आप पूछने से जैसे चौपट राज, अर्थात जिस राज्य में न बुद्धि हो, न नीति हो, न धर्म हो, उस राज्य का स्वयं ही नष्ट होना उचित है। धन्यवाद।